नमस्कार दोस्तों, स्वागत आप सभी का जीके महात्मा जी में। दोस्तों आज हम कवर करेंगे केंद्र सरकार द्वारा लॉन्च की गई मोबाइल ऐप सर्विस, जो कि वेरी वेरी इंपोर्टेंट चैप्टर है और शायद आपको यहां से एक दो क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिल जाए। और इन सभी क्वेश्चन को हम ट्रिक से सोल्व करेंगे ताकि इजीली आपको याद रहे, आपको रटने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। और इसका पीडीएफ आपको मिल जाएगा टेलीग्राम ग्रुप से, जिसका लिंक हमने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। तो चलिए शुरू करते हैं फटाफट। पहला क्वेश्चन, आरंभ मोबाइल ऐप का संबंध किस क्षेत्र से है? आपको 3 सेकंड मिलते हैं, उसके बाद हम इसका सही जवाब बता देंगे। ऑप्शन बी, सड़क सुरक्षा से। अब देखिए यहां आ रहा है आरंभ। आरंभ यानी कि यात्रा आरंभ करने से पहले हमें सड़क सुरक्षा के बारे में पूरी जानकारी ले लेनी चाहिए। किसके बारे में? सड़क सुरक्षा के बारे में पूरी जानकारी ले लेनी चाहिए यात्रा आरंभ करने से पहले। नेक्स्ट, दर्पण ऐप का संबंध किस क्षेत्र से है? ऑप्शन सी, डाक बीमा। अब देखिए डाक बीमा, डाक को रिलेट कीजिए डांट से, डांटना। अब पेरेंट्स बच्चे को क्यों डांटते हैं? क्योंकि वो पूरा दिन दर्पण ऐप, दर्पण के सामने खड़ा रहता है, अपने बालों को निहारता रहता है, इसलिए पेरेंट्स उसको डांटते हैं, छोड़ दे दर्पण को, दर्पण ऐप, डाक बीमा। नेक्स्ट, बाल मजदूरी रोकने के लिए कौन सा मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया है? ऑप्शन ए, पेंसिल पोर्टल। अब देखिए बाल मजदूरी, अगर बच्चों से बाल मजदूरी रुकवानी है तो उनके हाथ में क्या दे दीजिए? पेंसिल दे दीजिए, उनको होमवर्क दे दीजिए, पूरा दिन होमवर्क में लगे रहेंगे, समय ही नहीं मिलेगा बाल मजदूरी के लिए। तो बाल मजदूरी, पेंसिल पोर्टल। नेक्स्ट, नागरिकों को एक ही मंच पर सभी सरकारी सुविधाओं का लाभ पहुंचाने के लिए कौन सा मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया है? ऑप्शन बी, उमंग मोबाइल ऐप। अब देखिए उमंग से मांग, उमंग से वॉइस आ रही है मांग की, लोगों की मांग थी, लोगों की डिमांड थी कि हम बार बार इधर उधर नहीं घूम सकते, हमें एक ही जगह पर सभी सरकारी सुविधा चाहिए, तो सरकार ने बना दिया उमंग मोबाइल ऐप, लोगों की मांग पर उमंग। नेक्स्ट, तटीय क्षेत्र में रहने वाले लोगों को आपातकालीन चेतावनी देने के लिए कौन सी मोबाइल ऐप लॉन्च की गई है? ऑप्शन डी, सागरवाणी। अब देखिए तटीय क्षेत्र, सागर का जो किनारा होता है वो तटीय क्षेत्र होता है, और यहां आ रहा है सागरवाणी, और तटीय क्षेत्र दोनों संबंधित हो गए एक दूसरे से, तो ये बिल्कुल ईजी है। नेक्स्ट, भारत में लापता बच्चों को ढूंढने के लिए केंद्र सरकार द्वारा कौन सी मोबाइल ऐप लॉन्च की गई है? ऑप्शन ए, रीयूनिट। अब देखिए रीयूनिट, यूनिट यानी कि हमें लापता बच्चों को ढूंढने के लिए एक यूनिट बनानी होगी, यूनिट के अंदर रहकर काम करना होगा, तभी हम लापता बच्चों को ढूंढ सकते हैं। नेक्स्ट, आयकर दाता की सुविधाओं के लिए कौन सा मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया है? ऑप्शन डी, आयकर सेतु। देखिए दोनों ही जगह आयकर आ रहा है, तो हमें रिलेट करना है आयकर सेतु, यानी कि सेतु को रिलेट करना है, कैसे करेंगे? अब कोई बंदा कह रहा है अरे भाई आयकर दाता सेतु, सेतु 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 सेतु, बंदा कहता है हाँ भाई मैं आयकर दाता हूं। नेक्स्ट, सचेत ऐप का संबंध किस क्षेत्र से है? ऑप्शन बी, बैंक में धोखाधड़ी से। अब देखिए धोखाधड़ी किसके साथ होती है? जो बंदा सचेत नहीं होता, जो बंदा सचेत नहीं है उसके साथ धोखाधड़ी हो जाएगी, और जो सचेत होगा वो अपने आप को बचा लेगा। नेक्स्ट, तेज ऐप का संबंध किस क्षेत्र से है? ऑप्शन ए, डिजिटल पेमेंट। अब देखिए डिजिटल, डीजी यानी कि डीजे, डीजे, और डीजे पे बंदा क्या करता है? तेज ऐप यानी कि बहुत तेज नाचता है, डीजे पर बंदा बहुत तेज गति से नाचता है, ब्रेक डांस। नेक्स्ट, भीम ऐप का संबंध किससे है? ऑप्शन डी, डिजिटल पेमेंट से। अब देखिए डिजिटल या फिर आ गया डीजे, और डीजे पर सभी डांस करते हैं, चाहे वो भीम हो, चाहे छोटा भीम हो, चाहे डोरीमोम हो, चाहे कन्हैया हो, तो क्या हो गया? छोटा भीम कहाँ डांस करेंगे? डीजे पर, डिजिटल ऐप, भीम ऐप। नेक्स्ट, दिव्यांग सारथी ऐप का संबंध किस क्षेत्र से है? बिल्कुल इजी क्वेश्चन। ऑप्शन ए, दिव्यांग सशक्तिकरण से। ये सेम वॉइस आ रही है इसमें दिव्यांग, और यहां भी है दिव्यांग। नेक्स्ट, निदान सॉफ्टवेयर का संबंध किस क्षेत्र से है? ऑप्शन डी, बीमारियों की निगरानी के लिए। अब देखिए बीमारी से क्या होना चाहता है बंदा? निदान पाना चाहता है, छुटकारा पाना चाहता है। क्यों?
क्योंकि बीमारी में उसका बेचारे का बहुत बुरा हाल हो जाता है। तो भगवान से यही प्रार्थना करते हैं, भगवान इससे निदान मिल जाए, छुटकारा मिल जाए। नेक्स्ट, कोयला चोरी को रोकने के लिए कोयला मंत्रालय ने किस ऐप को लॉन्च किया है? ऑप्शन बी खान प्रहरी। बिल्कुल ईजी है। देखिए भाई, कोयला चोरी रोकना है तो कोयले की खान के ऊपर पहरा लगा दो, यानी कि खान प्रहरी, अपने आप रुक जाएगी चोरी। नेक्स्ट, प्राप्ति ऐप का संबंध किस क्षेत्र से है? ऑप्शन ए बिजली भुगतानों में पारदर्शिता के लिए। प्राप्ति ऐप बिजली उत्पादकों और बिजली वितरण कंपनियों के बीच पारदर्शिता लाने के लिए विकसित किया गया है। नेक्स्ट, सारथी ऐप का संबंध किससे है? ऑप्शन सी रेलवे से। देखिए, सारथी ऐप से पहले रेलवे की हर सर्विस के लिए अलग अलग ऐप थे, जिसके कारण यात्रियों को असुविधा होती थी, लेकिन अब सारथी ऐप के द्वारा आप रेलवे की सभी सुविधाओं का लाभ एक ही जगह से उठा सकते हैं। इस ऐप के जरिए आप रेल बुकिंग, रेल इंक्वायरी, रेल में सफाई और खाने का ऑर्डर तक दे सकते हैं। और ये ऐप 14 जुलाई 2017 को उस समय के रेल मंत्री सुरेश प्रभु द्वारा लॉन्च की गई थी। नेक्स्ट, मदद मोबाइल ऐप का संबंध किससे है? ऑप्शन डी रेलवे से। मदद मोबाइल ऐप रेलवे से संबंधित है। रेलवे की यात्रा के दौरान अगर आपको कोई मेडिकली प्रॉब्लम आती है, कोई भी किसी भी तरह की कोई दिक्कत होती है, तो आप मदद मोबाइल ऐप से मदद ले सकते हैं। नेक्स्ट, ऊर्जा मित्र ऐप का संबंध किससे है? ऑप्शन ए बिजली कटौती के प्रबंधन के लिए। ऊर्जा मित्र ऐप के द्वारा आपको पता चल जाएगा कि आपके एरिया में बिजली कब जाएगी, बिजली कट कब लगेगा और क्यों लगा है, और कब तक बिजली वापिस आ जाएगी। तो काफी काम की है ये ऐप। नेक्स्ट, स्वच्छ ऐप किससे संबंधित है? ऑप्शन बी ग्रामीण क्षेत्रों में स्वच्छता सुधार की निगरानी के लिए। स्वच्छ ऐप के माध्यम से ये देखा जाता है कि ग्रामीण क्षेत्र में कितने शौचालय बने हैं, कितनी साफ सफाई है, इन सभी की निगरानी के लिए स्वच्छ ऐप रखी गई है। तो दोस्तों, ये कुछ मोबाइल ऐप थी जो कि काफी इंपॉर्टेंट थी, हमने कवर कर ली है। और अब मिलता है आपको एक चैलेंज, देखते हैं कि आपकी करंट अफेयर की तैयारी कैसी है। भाइयों बहनों मित्रों, 18वें एशियाई खेलों में दूसरा गोल्ड मेडल किसने जीता? ऑप्शन मिल रहे हैं, इसका सही जवाब दीजिए। तो दोस्तों, दीजिए इसका फटाफट सही सही जवाब। और इस वीडियो के बारे में आपका कोई भी सुझाव, कोई भी विचार, तो प्लीज कमेंट्स कीजिएगा, और एक लाइक तो बनता है बॉस। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।